हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिनी इडली और साथ में स्पेशल सी चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है सूजी और सूजी को दही में घोल ले रही हूँ। देखिए, अच्छे से सूजी को दही में घोल लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है और साथ में नमक ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल इडली नहीं है। इसको छोंकने के लिए जो मैं सामग्री यूज करने वाली हूँ, वो इडली को और भी स्वादिष्ट बनाने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर हम घोल को 15 मिनट के लिए फॉर्मेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये हम लोग का बैटर बन के रेडी है 15 मिनट बाद। थोड़ा सा घोल हम लोग को थिक लग रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी और एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे इडली के लिए। ये देखिए, ये हम लोग का बैटर रेडी है और यहाँ पे मैंने डाला है बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम मोल्ड को ग्रीस कर लिए हैं ऑयल से। अब हम अपना बैटर को मोल्ड में डाल के इसको स्टीम कर लेंगे। जब तक हम लोग का ये इडली बन के रेडी होगा, तब तक हम अब चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने यहाँ पे एक ले लिया है पैन और उसमें डाला ऑयल और थोड़ा सा जीरा। और एक 2 सूखी लाल मिर्ची थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे रफली कटा हुआ प्याज। और इधर मैं इडली को भी चेक करते जा रही हूँ, क्योंकि मिनी इडली को टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के ये रेडी होता है। और यहाँ पे हमारा इडली बन के एक बैच रेडी है। और यहाँ पे देखिए, मैंने प्याज में डाला नमक और थोड़े से करी लीव्स और यहाँ पे मैंने डाला 2 बड़ा टमाटर। और करी लीव्स मैंने छोकन पे इसीलिए नहीं डाला, क्योंकि बीच में डालने से करी लीव्स का स्वाद और जो उसका सुगंध है, बहुत ही मज़ेदार आता है। ये हम लोग का रेडी है। अब हम फ्लेम को कर दिए ऑफ और ये हम लोग का मिनी इडली भी ठंडा हो चुका है, उसको हम निकाल लिए हैं। और हम ऐसे करके दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। और ये हम लोग का चटनी भी ठंडा हो चुका है। अब हम पीसने के प्रोसेस में चलते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का चटनी रेडी है। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करते हैं। और यहाँ पे तड़का के लिए देखिए, मैंने लिया है सरसों का तेल और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों का ही यूज किया है। आप यहाँ पे राई भी यूज कर सकते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्ची कलर के लिए। अच्छे से भून लेना है और ये हम लोग का चटनी बनके एकदम रेडी है। मेरी ये आज की वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। अब हम अपने इडली को भी छोंक लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भर के ऑयल डाला है, ये रिफाइंड ऑयल है। और यहाँ पर देखिए, तड़का में मैंने डाला है सरसों और करी पत्ता और 2 हरी मिर्च रफली कटे हुए और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अच्छे से सबको चलाते हुए थोड़ी देर हमको प्याज को भून लेना है। बस उसके कच्चापन निकालना है, उसको ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है।
और यहाँ पे मैंने एक गाजर ग्रेट किया हुआ डाला है। नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, क्योंकि इडली में भी हमने नमक डाला है, ये इसीलिए ये मसालों के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काली मिर्ची का भी यूज किया है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस रेसिपी की जान को, जिसके बिना ये रेसिपी अधूरी है, जो है उड़द की दाल। इसको मैंने भिगो लिया था आधा घंटा पहले। एक ही चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं। अब हम अपना इडली को डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स करके ये हम लोग का मिनी इडली रेडी है। आई होप आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। आप लोग भी घर पे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स द्वारा ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।